नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश चौधरी। स्वागत है आपका ARG ब्रिक्स के एक नए वीडियो में। यहां पे हम आपको बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टीज़, बहुत ही अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज़ के वीडियो यहां पे आपको दिखाते रहते हैं। लोकेशन के मैं बारे में बात करूंगा। हम लोग यहां पे खड़े हैं वैशाली नगर के बिल्कुल पास में, 1.3 किलोमीटर दूर हम लोग खड़े हैं। रंगोली गार्डन से हम जस्ट पहले खड़े हैं। यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त विला का यहां पे लुक दिखाने वाला हूं। सामने की तरफ जैसे फ्रंट एलिवेशन एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन जी, कितना ज़बरदस्त फ्रंट एलिवेशन आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय में मिलती रहे, क्योंकि हम ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। साथ साथ में हमारा जो दूसरा चैनल है, जिसमें हम प्रीमियम और लग्जरी प्रॉपर्टीज़ लाते रहते हैं किंग्सवे ग्रुप के नाम से, उस पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार अपन टूर करेंगे, डायमेंशन साइज की हम बात करेंगे, साथ साथ में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे बना हुआ है, प्राइस की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अपन देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दो गाड़ी के लिए यहाँ पे पार्किंग आपको देखने को मिल जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे पार्किंग का स्पेस आपको दिया गया है इस साइज़ के अंदर, 15x60 की साइज़ यहाँ पे दी गई, जिसके अंदर बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वाटर टैंक के लिए यहाँ पे प्रोविजन आपको देखने को मिल जाता है। ज़बरदस्त लुक आपको सामने की तरफ पे भी देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पे आपको एंट्री देखने को मिल जाती है। अगर मैं यहाँ वुडन वर्क के मैं बात करूँगा अंदर की तरफ, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको वुडन वर्क देखने को मिल जाएगा। तो जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हो आप, कितना ज़बरदस्त वुडन का यहाँ पे काम किया गया गेट के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त सनमाइका यहाँ पे यूज़ की गई है। हम जैसे एंटर करते हैं, यहाँ पे टाइल्स वगैरह का एक बार लुक दिखा दीजिए कैमरामैन जी। बहुत ही ज़बरदस्त टाइल्स वगैरह का लुक भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डाइनिंग ड्राइंग एरिया की, तो स्पेस बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सेपरेटली डाइनिंग एरिया इधर की तरफ दिया गया है, और इधर की तरफ आपको ड्राइंग एरिया का सेपरेटली स्पेस देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे टीवी पैनल की बहुत अच्छा जगह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ साथ में इधर LED वगैरह लगा के बहुत अच्छा ज़बरदस्त लुक आपको देखने को मिल जाता है। स्टेयर्स के नीचे की तरफ जो पूरा स्पेस है उसको यूज़ किया गया है टीवी पैनल के लिए। साथ साथ में इसके पीछे की तरफ मैं एक बार लुक दिखाऊंगा, कैमरामैन जी दिखाइए। यहाँ पे आपको स्टोर के लिए स्पेस प्रॉपरली आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ में एक बार कैमरामैन जी ऊपर की तरफ हाईलाइट कर दीजिए। यहाँ पे फॉल सीलिंग का वर्क जो किया गया, बहुत ही ज़बरदस्त फॉल सीलिंग का वर्क भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। फॉल सीलिंग के अंदर अगर LED कि मैं बात करूं लाइट्स की, तो बहुत ही ज़बरदस्त LED लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है। सामने की तरफ भी वुडन वर्क जो करके यहाँ पे LED लाइट्स का जो काम किया गया है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम देखने को आपको मिल जाता है। फिर डाइनिंग ड्राइंग एरिया के बिल्कुल सामने की तरफ मैं आपको लुक दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो किचन का लुक है वो एक बार दिखा देता हूँ मैं। किचन में इधर की तरफ देखते हैं तो आपको L शेप में यहाँ पे किचन देखने को मिल जाता है। मॉड्यूलर, फुली मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वुडन का काम करके बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसका बनाया गया है। सामने की तरफ देखते हैं तो वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉपर दो विंडो देखने को मिल जाती है, जो कि सफोकेशन ना हो, वेंटिलेशन बना रहे जब आप खाना बनाए तो यहाँ पे प्रॉपरली। ऊपर की तरफ भी यहाँ पे आपको फैन देखने को मिल जाता है, जो कि खाना बनाते समय आपको बिल्कुल भी सफोकेशन नहीं होने वाला, साथ साथ में गर्मी भी आपको बिल्कुल नहीं यहाँ पे लगने वाली है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे किचन का स्पेस दिया गया है। तो चलिए कैमरामैन जी अपन देखते हैं नीचे जो बेडरूम बना है उसका लुक देखते हैं, फिर अपन जो ऊपर दो बेडरूम बने उनका भी लुक देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, 3 बेडरूम का यहाँ पे डुप्लेक्स बना हुआ है। तो जैसे इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है। कॉमन वॉशरूम का एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा, कॉमन प्लस अटैच दोनों आपको ये मिलने वाला है। वेंटिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर इसमें वेंटिलेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। रूम की साइज़ की बात करूँ तो लगभग 15x14 के आसपास की रूम की साइज़ आपको देखने को मिल जाती है। बेड वगैरह के लुक की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त बेड वगैरह का लुक आपको देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ बात करूँ तो वार्डरोब्स वगैरह का काम किया गया है, इधर मिरर लगा के बहुत अच्छा डिज़ाइन इसका किया गया है। इधर की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है, साथ साथ में आप कूलर वगैरह लगा सकते हैं। इधर की तरफ यूटिलिटी के लिए एरिया आपको देखने को मिल जाता है, जो लुक दिखा दीजिए एक बार कैमरामैन जी। ऊपर की तरफ ये कवर्ड किया गया है बिल्कुल जाल लगा के, सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से बिल्कुल कवर्ड है ऊपर तक। फिर देखते हैं इधर फुल सीलिंग का नज़ारा भी एक बार दिखा दीजिए रूम के अंदर। एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट आपको करना चाहूँगा कि यहाँ पे AC फिटिंग की जो पाइपिंग है उनको बिल्कुल कवर्ड करके दिया गया है, जिससे कि अगर आप AC नहीं लगाते हैं तो बिल्कुल ऑकवर्ड आपको फील नहीं करवाएगी, बिल्कुल सेपरेटली इसको बंद करके दिया गया है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कॉमन जो वॉशरूम है उसका एडवांटेज ये कि अटैच भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर हम देखेंगे, जैसे आपने देखा नीचे की तरफ एक बेडरूम देखा, डाइनिंग ड्राइंग एरिया देखा, किचन का लुक हमने देखा, साथ साथ में अपन ने यहाँ पे बहुत अच्छी ज़बरदस्त यहाँ पे डिज़ाइनिंग वगैरह देखी। तो एक बार अपन ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर मैं देखता हूँ यहाँ पे स्टेयर्स में मार्बल का काम किया गया, साथ साथ में यहाँ स्टेनलेस स्टील की यहाँ पे रेलिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो एक कैमरामैन जी अपन ऊपर की तरफ चलते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं जो दो बेडरूम बने उनका लुक। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लिविंग एरिया के लिए, आप फैमिली लॉन्ज के लिए एरिया मान लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त एरिया आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप
सोफ़ा वगैरह की सेटिंग करके बहुत अच्छा अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। साथ साथ हम फुल सीलिंग का नज़ारा की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त फुल सीलिंग का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फुल सीलिंग में LED लगा के बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसका दिया गया है। सामने वाले रूम के ऊपर एक बार टूर करेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ जो है देखने को मिल जाती है। सीढ़ियों में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर लैंप का एक बार लुक दिखा दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त लैंप का लुक आपको देखने को मिल जाता है। फिर इधर की तरफ देखता हूँ तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे टेंपल का डिज़ाइन किया गया, मंदिर का डिज़ाइन किया गया है। साथ साथ में यहाँ पे वार्डरोब्स वगैरह भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है और बहुत ही अच्छा लुक ही आपको देखने को मिल जाता है। वुडन का काम जो है बहुत ही ज़बरदस्त का किया गया है। फिर इस सामने वाले रूम का अपन टूर कर लेते हैं। सामने वाले रूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो लगभग 15x15 के आसपास की आपको साइज़ यहाँ देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ इधर लुक की, बेड के लुक की, तो बहुत ही ज़बरदस्त बेड का लुक आपको देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ जो वुडन वर्क किया गया है बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसका देने वाला। साथ साथ मिरर लगा के यहाँ पे बहुत अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था AC फिटिंग के लिए आपको प्रॉपर AC फिटिंग को बिल्कुल कवर्ड किया गया है, जिसमें कि पाइपिंग वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का नज़ारा की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त फॉल सीलिंग का नज़ारा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर अगर सामने की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको TV पैनल के लिए जगह मिल जाती है। वार्डरोब्स बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में, बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ साथ में अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ यहाँ पे वार्डरोब्स की देखने को मिल जाती है। पूरा वुडन का यहाँ पे काम किया गया है। इसके अलावा अगर देखूँ तो ये हाइड्रोलिक आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं पीछे की तरफ बिल्कुल अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आप अपना TV भी इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लुक में यहाँ पे काम किया गया है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे अटैच वॉशरूम आपको देखने को मिल जाता है। अटैच वॉशरूम का एक बार लुक दिखा दीजिए कैमरामैन जी। टाइल्स वगैरह की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कंपनी की टाइल्स वगैरह देखने को मिल जाती है। साथ साथ वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर आपको जगह मिल जाती है। फिर इधर की तरफ देखते, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रूम की साइज़ तो दोनों तरफ इतनी इतनी जगह यहाँ पे दी गई है। साथ साथ में सामने की तरफ भी बहुत अच्छी जगह यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है। इधर की तरफ मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो देखने को मिल जाती है। साथ साथ में यहाँ पे बालकनी का एरिया आपको देखने को मिल जाता है बाहर की तरफ, जो कि बाहर का लुक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बसावट की मैं प्रॉपर बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बसावट आपको देखने को मिल जाती है। लगभग 90% यहाँ पे ऑक्यूपाइड ये एरिया आपको देखने को मिल जाता है। सामने की गली की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बिल्कुल सामने, तो यहाँ पे आपको 30 फीट रोड यहाँ पे मिल जाती है। कार पार्किंग की कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि अपने यहाँ पे वैसे भी दो कार आराम से पार्क कर सकते हैं। तो एक बार आइए कैमरामैन जी, हम पीछे वाले रूम का भी एक बार लुक देख लेते हैं, वो रूम कैसे बना हुआ है। जो मेरे को इस विला की जो सबसे खूबसूरती जो लग रही है मेरे को, वो लग रही है कि यहाँ पे स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है। साथ साथ में वुडन जो वर्क यहाँ पे किया गया है वो भी बहुत ज़बरदस्त वुडन वर्क आपको देखने को मिल जाता है। जैसे गेट वगैरह की मैं सनमाइका वगैरह की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक यहाँ पे दिया गया है। इस रूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो लगभग 14x15 के आसपास का आपको रूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छे स्पेस में यहाँ पे दिया गया है। इधर की तरफ यहाँ पे अटैच वॉशरूम इसमें देखने को मिल जाता है, इसका लुक एक बार दिखा दीजिए। टाइल्स वगैरह का भी एक बार काम दिखा दीजिए। अगर मैं सैनिटरी फिटिंग की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी कंपनी की सैनिटरी फिटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो देखने को मिल जाती है। साथ साथ में आप कूलर इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आप AC इंस्टॉल नहीं करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे प्रॉपरली कर सकते हैं। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे वार्डरोब्स का यहाँ पे काम किया गया है, जो कि बहुत अच्छा ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको देखने को मिल जाता है। इधर मिरर लगा के बहुत अच्छा काम यहाँ पे दिया गया। साथ साथ में अगर आप अपना किसी प्रकार का कोई भी शोपीस लगाने के लिए यहाँ पे ग्लास वगैरह लगा के बहुत अच्छा काम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको यूटिलिटी बालकनी का एरिया देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे निकाला गया है। फिर अगर देखते हैं इधर तो आपको फॉल सीलिंग का नज़ारा देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त फॉल सीलिंग का नज़ारा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बेड वगैरह के लुक की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 3 बेडरूम हमने देखे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बने हुए हैं। इस प्राइस में आपको रंगोली गार्डन के बिल्कुल पास में ऐसा प्रोजेक्ट बहुत ना के बराबर मिलने वाला है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 68 लाख रुपीज़ की प्राइस रखी गई। आपने जैसे देखा AZT आपको मिलने वाला है, बेड वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है। बेड का एक एडवांटेज था जो मैं नहीं दिखा पाया, मे बी पॉसिबल इस बेड में भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। इस बेड में नहीं है, मैं सामने वाले बेड में दिखाना भूल गया। हाइड्रोलिक बेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो सामने वाले उसमें दिया है, जैसे मैंने TV का वो दिखाया था वो देखने को मिल जाते हैं। जो AZT आपको बना हुआ है 68 लेक में आपको मिलने वाला है। लोकेशन के बारे में आपको ब्रीफ कर ही दिया, बाकी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा। फिर हमारे सलाहकार के नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।